मांग निकलने और सप्लाई कमजोर होने से सोया तेल में खरीदारी देखने को मिली है। सोयाबीन की आवक जैसी होनी चाहिए वैसी न होने के कारण बाजार में सोया तेल की सप्लाई कमजोर बनी हुई है। सोमवार को सोया तेल में छुटपुट रूप से आई डिमांड और प्लांटों की कम दामों पर बिकवाली न होने से भाव में तेजी देखने को मिली। इंदौर सोया तेल 20 रुपए उछलकर 1245 से 1250, पाम तेल इंदौर 1000 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ दोराब मिस्त्री ने राय दी है कि मार्च तक केएलसी 5000 को भी छू सकता है। मलेशिया पाम तेल का स्टॉक मई 2023 तक काफी घटने के आसार हैं और स्टॉक घटकर 20 लाख टन से नीचे जा सकता है। इंडोनेशिया TD3G कार्यक्रम 2023 की पहली छिमाही में स्टॉक को टाइट रख सकता है। उधर पाम तेल पर ज्यादातर जानकारों की राय अगले 2 से 3 महीनों के लिए तेजी की है। मलेशिया से धीमा निर्यात, कमजोर पैदावार, चीन में कोरोना संकट ने बाजारों को दिशाहीन बना रखा है। 1 से 15 दिसंबर के बीच मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात 4% से 9% तक गिर चुका है। वहीं उत्पादन में 6.73% की गिरावट के बाद इंडोनेशिया ने 16 से 31 दिसंबर के लिए निर्यात कर और लेवी बढ़ा दी है, जो केएलसी के लिए पॉजिटिव है। दरअसल इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 से B35 कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की है। कांडला पाम तेल की कीमतें निचले स्तर से उबरकर सप्ताह के अंत में 925 रुपए पर बंद हुई। स्पष्ट है कि ज्यादातर फैक्टर सकारात्मक हैं। पाम तेल के भाव के हिसाब से लंबे समय में मजबूती देखने को मिल सकती है। हाल ही के समय में कमजोर मांग, ज्यादा आयात और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों और मलेशिया से कमजोर निर्यात से बाजार टिका रहेगा। फिलहाल चल रहे स्तर से कोई भी गिरावट लंबे समय के लिए स्टॉक करने वालों और व्यापारियों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका लेकर आएगी, ऐसा बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।